इसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे केसेस देखे थे, जिसमें हमने फर्स्ट केस जो देखा था पिछले वीडियो में, फर्स्ट केस था अपना मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट पर बेस। सेकंड केस हमने चेक किया था कि व्हेन टू और मोर देन टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। उसके बाद हमने एक केस और चेक किया था कि व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड विथ पुली। नेक्स्ट हम लोग जो केस चेक करेंगे वो करेंगे कि उसी पुली को कंटिन्यू करते हैं कि व्हेन मोर देन टू बॉडीज आर कनेक्टेड विथ पुली देन। तो फिफ्थ केस हमने उसको लिया था। नेक्स्ट हम लोग सिक्स केस लेते हैं, और सिक्स केस में हम लोग लेंगे व्हेन थ्री बॉडीज आर कनेक्टेड विथ पुली। When three bodies are connected with pulley. नेक्स्ट केस हम लोग लेंगे कि जब तीन बॉडी पुली के साथ कनेक्टेड हो तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं when three bodies are connected with pulley के लिए। तो यहां पे डायग्राम लेंगे, यहां पुली ले लेते और यहां यह हमने ले लिया फर्स्ट बॉडी, जिसका मास हम लोग यहां ले लेते हैं। इस साइड सेकंड बॉडी, जिसका मास हमने एम टू ले लिया। इसी के साथ थर्ड बॉडी, जिसका मास हम लोग एम थ्री ले लेते हैं। हमने थ्री बॉडीज ले लिए, एक का मास एम वन है, दूसरे का मास एम टू है, तीसरे का मास एम थ्री है। अब इनके ऊपर जो तो फोर्सेस लगेंगे उन फोर्सेस को चेक करते हैं। एम वन का वेट जो होगा वो एम वन जी वर्टिकली डाउनवर्ड, सिमिलरली M2 का जो वेट होगा वो M2G वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और M3 का भी जो वेट होगा वो M3G वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। M1 और M2 को हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, और इस स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा उस टेंशन को हम लोग T1 सपोज कर लेते हैं, और इस साइड भी T1 होगा। पहले भी हमने इस बात पे को चेक किया था कि जब भी हमें टेंशन को लेना है तो टेंशन को हमेशा ब्लॉक से अभी लेना है। तो M1 और M2 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड था जिस पे टेंशन हमने T1 ले लिया। सिमिलरली M2 और M3 भी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसके भी टेंशन का नेम दे देते हैं, इसके टेंशन का नाम T2 दे देते हैं। तो ये फोर्सेस हमने ले लिया कि कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो M1 पर जो फोर्स लग रहा है तो T1 लग रहा है अपर डायरेक्शन में, और M1 सी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। M2 पर जो फोर्स है वो T1 है अपर डायरेक्शन में, और T2 एंड M2 सी दो फोर्सेस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। M2 पर M3 पर जो फोर्स है वो T2 अपवर्ड डायरेक्शन में, और M3 सी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें यहाँ पर सपोज करना होगा कि या तो M1, M2 और M3 दोनों के कॉम्बाइंड मास से ज्यादा हो, या फिर M2 और M3 M1 से ज्यादा हो, क्योंकि जो ज्यादा होंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये बॉडी एक्सेलरेट होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो M1 है वो M2 प्लस M3 से लेस है, यानी M1 शुड बी लेस देन M2 प्लस M3, ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर ऐसे कंडीशन है कि M1 जो है वो लेस है, तो M1 लेस है, इसका मीनिंग क्या है कि ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। तो M2 और M3 राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जाएंगे, तो M1 जो होगा वो ए एक्सेलरेशन से इस साइड में ऊपर की तरफ होगा। दूसरी चीज हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें जब हम लोग टेंशन देखेंगे, इसमें टेंशन T1 प्लस T1, तो ये टू T1 के इक्वल होगा। इसमें जो टेंशन होगा तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसे भी कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बना के हमें जो कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, और आगे हम लोग T1 निकालेंगे और T2 निकालेंगे। यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एम1 के लिए। तो एम1 के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T1 है, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में M1Z है, तो T1 फॉर एम1। M1 के लिए हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, तो M1 के लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा T1 माइनस M1Z इक्वल टू M1A। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते। इसी तरह से अब हम लोग M2 का इक्वेशन बनाते हैं, तो फॉर M2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे,
टेम्पो पर जो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, एक तो टी टू है, दूसरा एम टू जी है। तो यहाँ पर टी टू प्लस एम टू जी, ये दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन था, इसलिए हमने दोनों को प्लस में ले लिया। और टी वन है यहाँ पर अपवर्ड है, और ये हो जाएगा एम टू ए, इसको इक्वेशन टू ले लिया। M3 पर सिमिलरली इक्वेशन लिखते हैं, तो M3 के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में M3g है और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में T2 है, तो फॉर M3 के लिए इक्वेशन बनाएंगे इसी तरह से। तो M3 के लिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में M3g, तो M3g माइनस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर T2 है, T2 इक्वल टू M3a, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा टारगेट है कि इन तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, तो देखते हैं ऐड करके क्या आता है। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जितने भी टेंशन थे T1 T2 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचेगा अपना यहाँ पर M3g बच जाएगा, M2g बच जाएगा और M1g बच जाएगा। तो M3g प्लस में है, ये भी M2g प्लस में है और माइनस में M1g है, तो लेफ्ट हैंड साइड में फाइनल कैंसिल करके डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो डायरेक्ट इक्वेशन जो बनेगा वो M3g प्लस M2g माइनस M1g और राइट हैंड साइड में M1 प्लस M2 प्लस M3 N2a। तो यहां से जो फाइनल एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनेगा वो एक्सेलरेशन का इक्वेशन यहां से आ जाएगा M3 यानी M2 प्लस M3 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू जी। तो फाइनल जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया उसे मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना वो एक्सेलरेशन का इक्वेशन अपना आया यहाँ पर M2 प्लस M3 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू सी, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन गया। तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन निकल के आ रहा था उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया, यानी स्पूली के लिए जो एक्सेलरेशन अपना वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो चुका। अब हमारा टारगेट है T1 निकालना और T2 निकालना, तो T1 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, तो इक्वेशन 1 से T1 जब निकालेंगे तो M1g को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये M1g प्लस M1 हो जाएगा। तो चेक करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 से जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो T1 इक्वल टू ये M1g राइट हैंड साइड में, M1g प्लस M1 है, T1 इक्वल टू M1g प्लस है हमने लिए, तो M1g प्लस A और एक्सेलरेशन है अपना M2 प्लस M3 माइनस M1 M2 प्लस M3 माइनस M1 इंटू जी बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 G को कॉमन ले लेते हैं, तो G को कॉमन लेंगे तो यहां से LCM ले लेते हैं, सेम आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और ये आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1, यहां M1 से M1 कैंसिल हो गए, तो M1g यहां जा रहा है M2 प्लस M3 M2 प्लस M3, तो ट्वाइस ऑफ M2 प्लस M3 ट्वाइस ऑफ M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 आ गया T1। तो T1 का फॉर्मूला हमने बना लिया यहां पर, T1 का क्या रिजल्ट होगा,
तो टी वन अपने पास आ गया, टी वन कितना है 2m1g m2 + m3 / m1 + m2 + m3। सिमिलरली अपन लोग टी टू फाइंड आउट करेंगे, तो टी टू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास लास्ट इक्वेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। तो लास्ट इक्वेशन से टी टू निकाले, टी टू को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और फिर एम थ्री ए को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री T2 यहां से लिखते हैं, तो T2 को राइट हैंड साइड में प्लस में आ जाएगा, तो ये M3 कॉमन आ जाएगा, G माइनस है, तो T2 इक्वल टू M3 G माइनस A, M3 G माइनस A, और एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी ले रखा है M2 + M3 - M1 G by M1 plus M2 plus M3, G को कॉमन ले लेते हैं, तो यह जाएगा M3C और यहां आ जाएगा ये M1 plus M2 plus M3 minus M2 minus M3 plus M1 by M1 plus M2 plus M3, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देते हैं। यहां पर अपने पास M2, M3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहां पर T2 इक्वल टू यह जगह है M1 plus M1 तो 2M1 M3 G by M1 plus M2 plus M3। तो इस तरह से हमने यहां पर T2 का भी इक्वेशन बना लिया। तो जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ये तो हमें फाइंड आउट करना था इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, तो उस एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन रहा, जिस एक्सेलरेशन को हमें फाइंड आउट करना था एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन रहा फॉर 3 ब्लॉक सिस्टम, यहाँ पर M1 M2 M3 3 ब्लॉक है, तो एक्सेलरेशन हमने निकाली। अब हमारा टारगेट था कि M1 और M2 के बीच में जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को जो टेंशन लग रहा है T1, उस टेंशन को हमने निकाल लिया, वो टेंशन है 2M1G M2 + M3 / M1 + M2 + M3। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था T2, और T2 क्या है, द टेंशन विच एक्ट्स बिटवीन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बाय M2 एंड M3, देन T2 एंड T2 इज इक्वल टू 2M1 M3 G / M1 + M2 + M3। अब यहां पर एक लॉजिकल बात है, अगर हम लोग सोचे तो जब 2 ब्लॉक सिस्टम हमने देखा था, तो 2 ब्लॉक सिस्टम में हमने एक्सेलरेशन जो देखा था वो एक्सेलरेशन था अपना कि जो भी हेवी मास है, तो हेवी मास में से हमें क्या करना है, लाइटर मास को माइनस करना है। तो अभी हमने लिया था यहाँ पर कि M2 + M3 विल बी हेवियर देन M1, यानी यहाँ पर M2 + M3 दोनों M1 से ज्यादा है, तो M2 + M3 हमने प्लस कर लिया, उसमें से कम वाले को माइनस कर दिया और G से मल्टीप्लाई करके और टोटल मास हम डेनोमेटर में रख लेंगे, वहां भी हमने ऐसा ही किया था। नेक्स्ट हमें T1 अगर निकालना है, तो T1 किसके किसके बीच में, T1 जो स्ट्रिंग है वो M1 और राइट साइड में M2 और M3 के बीच में ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग काम करे, तो T1 के मीनिंग राइट हैंड साइड में इन दोनों ब्लॉक को कैरी कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में M1 को कैरी कर रहा है, तो जो टेंशन का इक्वेशन हमने लिया था वो 2M1 M2 G / M1 + M2 था जब हमने 2 ब्लॉक सिस्टम लिया था, तो इसमें 2 लेफ्ट हैंड साइड वाले मास को हमने ले लिया ट्वाइस ऑफ M1 और राइट हैंड साइड का कॉम्बाइंड मास M2 + M3 G से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई टोटल मास आ जाएगा। सिमिलरली हमें क्या करना है, T2 लेना है, तो T2 लेफ्ट हैंड साइड में हमें M1 लेना होगा, राइट हैंड साइड में M3 लेना होगा, तो ट्वाइस ऑफ M1 M3 G / M1 + M2 + M3। तो हम लोग इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट हमें कैसे लिखना है, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 3 ब्लॉक सिस्टम के लिए हमने पूरी का केस चेक किया और आगे देखते हैं नेक्स्ट जो केस बनता है उस केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर किस तरह से हमें एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करना है, तो इंक्लाइंड प्लेन के केस पर चेक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेंगे मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अब इंक्लाइन प्लेन का केस हम लोग चेक कर लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन जो होंगे हमारे।
तो इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं, क्योंकि हमने इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ये इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा ले लेते हैं। इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक ले लेते हैं, ये ब्लॉक हमने ले लिया इस इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका मास हम लोग एम ले लेते हैं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर हमने कोई ब्लॉक ले लिया जिसका मास हमने एम ले लिया, और इस ब्लॉक का जो वेट होगा एम सी वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इस एम सी को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करके इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, तो एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर बनेगा एम जी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बनेगा यहां पर वो बनेगा एम जी साइन थीटा। और नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन इस साइड में आर सपोज कर लेते, तो ये फोर्सेस होंगी, ये जो एंगल होगा ये एंगल भी यहां थीटा ही होगा, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा वही एंगल यहां थीटा भी हमें लेना है, तो ये एंगल थीटा से आएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, रिजोल्व करना है, और यहां पर हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये इंक्लाइंड प्लेन क्या है, एक्सेलेरेटेड नहीं, तो इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलेरेटेड नहीं है, इसका मीनिंग इसका एक्सेलरेशन जीरो है। जब हम लोग इस इंक्लाइंड प्लेन को एक्सेलेरेटेड मानेंगे तो उसका भी रिजल्ट हम लोग आगे चेक करेंगे, तो उस तरह के प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हमने क्या कर रखा है, इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलेरेटेड नहीं है, यानी इसका एक्सेलरेशन हमें जीरो लेना है। अब इसको और क्या करते हैं, यहां से एक यहां पर पुली लगा लेते हैं, और पुली से यहां से एक स्ट्रिंग के थ्रू किसी ब्लॉक को यहां अटैच कर देते हैं, स्ट्रिंग के थ्रू हमने किसी ब्लॉक को अटैच कर लिया, और इस ब्लॉक को कैपिटल एम ले लेते हैं, इस ब्लॉक को हमने कैपिटल एम ले लिया। अब जो फिर से ये स्ट्रिंग आ गया तो इस स्ट्रिंग का टेंशन भी होगा, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन को टी मान लेते हैं, अभी यहां भी टेंशन टी होगा अभी, और इसका जो वेट होगा कैपिटल एम ब्लॉक का वो कैपिटल एम इंटू सी। अब यहां भी उसी तरह से कंडीशन बनेगा, या तो स्मॉल एम ज्यादा हो या कैपिटल एम ज्यादा हो, यानी बॉडी एक्सेलेरेटेड डाउन द इंक्लाइन हो या अप द इंक्लाइन हो। अभी हम लोग बॉडी को डाउन द इंक्लाइन एक्सेलेरेट कराते हैं, तो ये बॉडी डाउन द इंक्लाइन एक्सेलेरेट होगा, तो ये यहां से अपर डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट हो। अब यहां पर हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, दूसरा ये टेंशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलेरेशन और टेंशन दोनों चेक करते हैं, फिर से एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या किया था, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया था, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, उसके बाद हमने उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक स्मॉल एम बॉडी का मास रखा था, और उसका वेट एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो फोर्सेस इस एमजी को हमने रिजोल्व किया, तो एमजी कॉस थीटा आ गया, और एमजी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर रिएक्शन फोर्स है। फिर हमने क्या किया, एक बॉडी को अटैच किया इसके साथ पुली से, और उसको हैंग करा दिया दूसरे साइड में, उसका मास को हमने कैपिटल एम ले लिया। तो यहां पर इसका फोर्सेस हमने रिजॉल्व कर दिया, कैपिटल एम जी जो इसका वेट होगा, और ये स्प्रिंग का जो टेंशन होगा उन टेंशन को रिजॉल्व कर दिया, और सपोज कर लिया हमने कि बॉडी डाउन द इंक्लाइन एक्सेलेरेटेड है, तो ए एक्सेलेरेशन से ये नीचे की तरफ जाए, तो एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ आएगा। अब हमारा टारगेट यहां पर एक्सेलेरेशन और टेंशन फाइंड आउट करना, तो एक्सेलेरेशन और टेंशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर इक्वेशन लिखते हैं स्मॉल एम के लिए, तो फॉर स्मॉल एम के लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो स्मॉल एम पर फोर्स देखते हैं कौन कौन सा है, तो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में स्मॉल एम पर जो फोर्स है वो एमजी साइन थीटा है, तो एमजी साइन थीटा को हमें प्लस में लेना होगा, एमजी साइन थीटा। और एक्सेलेरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो टेंशन है टी, और ये इक्वल हो गया अपने पास मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन से एम ए, इसको इक्वेशन हमने वन ले लिया। फिर कैपिटल एम के लिए देखते हैं, कैपिटल एम पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और कैपिटल एम का इक्वेशन बनाए, तो कैपिटल एम के लिए जब हम लोगों ने चेक किया, यहां पर एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में टी है टेंशन, माइनस एक्सेलेरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में उसका वेट है एमजी, और ये इक्वल हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन के एम ए, इसको इक्वेशन टू लिया। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करके जो फाइनल इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को बनाते हैं, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाए, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहां से एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 एमजी साइन थीटा, एमजी साइन थीटा माइनस एमजी इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू ए। अब यहां से आगे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से जो एक्सेलेरेशन आ जाएगा ए इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन के इक्वेशन बन जाएगा, यहां पर जी को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो एम साइन थीटा माइनस एम
m sin theta minus m into z भाई यहां सामने क्या चल रही है, जी को कॉमन ले लिया तो ये स्मॉल एम साइन थीटा माइनस कैपिटल एम, जी को कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन गया यहाँ। तीसरे से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया कि जो हमने ये सिचुएशन लिया था, सिचुएशन में डाउन द इंक्लाइन जो अपने पास एक्सेलरेशन है और यहाँ से ये दोनों एक्सेलरेशन अपना एक इक्वल है और वो एक्सेलरेशन क्या है एम साइन थीटा, यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ से चेक करें तो ये एम साइन थीटा यानी एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा ये रहा फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस एम जी और डिवाइडेड बाई दिस मास प्लस दिस मास हमें लेना। अब हमारा डायरेक्ट टेंशन फाइंड आउट करना, तो टेंशन के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन से अगर हम लोग यहाँ पर तो टी इक्वल टू एम जी प्लस एम है, तो t इक्वल टू एम को कॉमन ले लेते हैं तो z प्लस a आ जाएगा m g और एक सोल्यूशन पुट कर देते हैं यहां से, सोल्यूशन है m साइन थीटा माइनस कैपिटल m इंटू z बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m, g को कॉमन ले लेंगे तो mg आ जाएगा और ये आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल एम, फाइनली लिख लेते हैं यह जगह एम साइन थीटा माइनस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करते हैं, यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया और यहां से स्मॉल एम को भी बाहर ले लेंगे तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू सी और यह जाएगा वन प्लस साइन थीटा और यह जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये टेंशन का इक्वेशन बन गया। यहाँ पर हमने टेंशन का भी इक्वेशन बना लिया और एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन बना लिया कि डाउन द इंक्लाइन में इस तरह का सिचुएशन होगा तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बनेगा, टेंशन का ये फॉर्मूला बनेगा, तो एक्सेलरेशन और टेंशन हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से अगर अप द इंक्लाइन हो तो अप द इंक्लाइन हो तो हम लोग उस सिचुएशन को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पर कुछ केसेस अपने चेंज हो जाएंगे अप द इंक्लाइन के लिए, जैसे सपोज कर यहाँ पर अप द इंक्लाइन अगर एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर नीचे की तरफ होता तो ये इक्वेशन चेंज होता, उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज होता, फिर उसी तरह सिंपली हम लोग गाइड करके जो इक्वेशन बनाएंगे तो इसी तरह से वो रिजल्ट भी बनेंगे, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं जो भी रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर ये अपना हो गया मोशन ऑन इनक्लाइन ट्रेन का केस, और हम लोग चेक करते हैं कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया था कि ये एक्सेलरेटेड नहीं है, इनक्लाइन प्लेन एक्सेलरेटेड नहीं है, तब अपना ये रिजल्ट आ रहा है, जब इनक्लाइन प्लेन एक्सेलरेटेड होगा तो सिचुएशन में चेंज होगा, तो सिचुएशन को हम लोग आगे चेक कर लेते हैं, फिर डबल इनक्लाइन का भी केस चेक कर